बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक ट्रिकी एवरेज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर गेट जनरल टेस्ट या एनटीएस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपेयर होता है। तो हमें कहा गया है कि 8x प्लस 8y हमारे पास 64 के बराबर है, हमने एवरेज फाइंड करनी है x प्लस y की। देखिए पहली बात कि जो एवरेज है, अगर मैं दो नंबर्स की एवरेज फाइंड करना चाहता हूँ तो उसकी एवरेज होगी x प्लस y, यानी कि सम ऑफ दोज नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर्स हैं। क्योंकि मैंने एवरेज फाइंड करनी है x और y की, तो इधर मेरे पास दो नंबर्स है, तो इसलिए हमारे पास जो एवरेज होगा वो इन दोनों का सम होगा डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि मेरे पास दो नंबर्स हैं। ये आपके पास इक्वेशन वन हो गया। अब आपको इक्वेशन दी है कि 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 64। तो अब मैं इसे 8 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 64, और मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। अब हमें पता है कि 8 8 64 आता है, तो ये 1 और ये 8 हो जाएगा। तो आपके पास x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 डिवाइड बाय 1 यानी कि 8 आ जाएगी। अब जब आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आपने इस इक्वेशन से निकाल ली है तो सिंपल आपने एवरेज फाइंड करना है। इस एवरेज फार्मूले में आप पुटिंग करें, x प्लस वाई की जगह मैं इधर लिख लेता हूँ एवरेज इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह मैं इस 8 को पुट कर लेता हूँ और डिवाइड बाय मेरे पास वही 2 आ जाएगा। इधर मैंने x प्लस वाई की जगह 8 पुट कर दिया, तो अब 8 डिवाइड बाय 2 मेरे पास 4 आता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द एवरेज ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।